हेलो एंड वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का 22वें नंबर का टॉपिक है विश्व की प्रमुख जल संधियां डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, विश्व में जितनी भी प्रमुख जल संधियां दी हुई है सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। आपको हमारा लेक्चर अगर पसंद आएगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमने पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कराया हुआ है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज्यादा देरी नहीं करते, आइए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। विश्व की प्रमुख जल संधियां, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज जल संधि। जल संधि होते क्या है, आपने बहुत पढ़े हैं जल संधि के बारे में, जब महाद्वीप पढ़ रहे थे जब भी पढ़े हैं, और जल संधि से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जल संधि क्या होती है, देखो जल का मतलब हो गया जल, हो गया जल, और संधि का मतलब होता है जोड़ना। अपन हिंदी में भी संधि पढ़े, दो वर्णों के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं। तो ये जल संधि, तो देखो जल संधि होता क्या है, नाम क्यों रखे जल संधि। जल संधियां दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है, दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है एवं दो स्थल खंडों को, देखो दो स्थल खंडों को अलग करती है, उसे जल संधि कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन। जल संधियां दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है एवं दो स्थल खंडों को अलग करती है। दो स्थल खंड होंगे, जैसे यहां एक स्थल खंड है, यहां एक स्थल खंड है, ये पूरा समुद्र है, ये पूरा समुद्र है। तो ये पानी का जो सकरा पट्टी मिलेगी यहां पे, ये है जल संधि। फ्रेंड्स, ये स्थल खंड हो गया, ये भी स्थल खंड, ये पूरा जल हो गया, ये पूरा जल हो गया। तो ये जो पट्टी मिलेगी, पानी की पट्टी, जो पानी का रास्ता मिलेगा, उसे जल संधि कहते हैं। तो जल संधि दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है एवं दो स्थल खंडों को अलग करती है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फ्रेंड्स, तो ये आपको डेफिनेशन याद रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए बात की जाए तो मलक्का जल संधि का नाम सुने होंगे आपने, ये अंडमान सागर और एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। अंडमान सागर एक, वहां से लेकर दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, तथा मलक्का प्रायद्वीप को सुमित्रा द्वीप से अलग करती है, सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। तो ये मैं आपको मैप के थ्रू भी बताऊंगा, इसको याद रखना है। तो अभी सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रमुख जल संधियां दी हुई है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके पहले अली जल संधि डिस्कस कर लेते हैं। जल संधि का एक और नाम मिलता है जल डमरू मध्य, जल डमरू की तरह दिखती है ये, जल डमरू मध्य नाम रखा गया, डमरू की तरह प्रतीत होती है इसलिए जल डमरू मध्य, तो इसका ये भी नाम है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन बेरिंग जल संधि की। बेरिंग जल संधि के बारे में आपने, जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का उत्तर अमेरिका पढ़ा रहा था, जब वहां पे आपने नाम सुने थे इसका, बेरिंग जल संधि जो है आर्कटिक सागर सबसे ऊपर में है, आप देखना मैप देखना नॉर्थ अमेरिका के ऊपर में, आर्कटिक सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। बेरिंग सागर उसके नीचे था अलास्का के पास, आप देख सकते हैं अलास्का के पास। तो ये जो है आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को जोड़ती है, तथा अलास्का से रूस को अलग करती है। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, तो अलास्का से रूस को अलग करती है। अगर रूस ऑप्शन नहीं मिला आपको तो साइबेरिया को अलग करती है, पूर्वी साइबेरिया, रूस के पूर्वी भाग को साइबेरिया कहते हैं, तो साइबेरिया को अलग करती है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं। और बेरिंग जल संधि जो है ये 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, उसके समानांतर स्थित है। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सी जल संधि स्थित है, तो बेरिंग जल संधि स्थित है। आर्कटिक सागर से बेरिंग सागर को जोड़ती है, तथा अलास्का से रूस को अलग करती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जिब्राल्टर जल संधि के बारे में नाम सुने थे अपन ने, जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर पढ़े थे अपन ने, जो अपन ने भूमध्य सागर पढ़े थे, अफ्रीका के ऊपर में भूमध्य सागर था उत्तर में, और भूमध्य सागर के ऊपर यूरोप महाद्वीप था। जो भूमध्य सागर था, भूमध्य सागर से उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है फ्रेंड्स, ये संधि जल संधि जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तथा यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो यूरोप महाद्वीप का स्पेन देश को अफ्रीका के मोरक्को देश से अलग करती है। मैप देखना आप, मैं अभी आपको मैप के थ्रू बताऊंगा याद रखने के लिए। उसके बाद बात करते हैं अपन डोवर जल संधि, इसका नाम भी सुने थे अपन ने। ये उत्तरी सागर कहां पर है याद करिए आप, उत्तरी सागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये उत्तरी सागर आपने पढ़े थे, जो यूरोप महाद्वीप था उसमें है उत्तरी सागर,
बीच में उत्तरी सागर है, स्वीडन नॉर्वे फिनलैंड के नीचे है और जर्मनी के ऊपर है, जर्मनी के ऊपर मिलेगा आपको, डेनमार्क जर्मनी के ऊपर। तो वहां से लेके जोड़ती है किसको, उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तथा ब्रिटेन और स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच स्थित है फ्रेंड्स ये, तो ब्रिटेन से ब्रिटेन एवं फ्रांस को अलग करती है। तो इसकी डेफिनेशन ही अपन ने पढ़ चुके हैं कि जल संधि ऐसा होता है जो दो जल राशियों को जोड़ती है एवं दो स्थलखंडों को अलग करती है। तो स्थलखंड कौन से होंगे, ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है। तो ये नाम याद रखना, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन मलक्का जल संधि। ये मलक्का जल संधि जो है, जावा सागर का नाम आपने सुना होगा, जावा सागर, जावा सागर अपन ने पढ़े थे। ये जकार्ता जो है इंडोनेशिया में पड़ेगा, ये आपको इंडोनेशिया जकार्ता, जावा द्वीप के ऊपर जावा सागर, जावा द्वीप है उसके ऊपर जावा सागर है। तो जावा सागर से, जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी जो अपने भारत के पास है, बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, तथा मलाया, मलाया एवं सुमात्रा को अलग करती है। तो ये मलाया द्वीप, वही वाला मलाया द्वीप है जिसमें मलेशिया स्थित है, मलेशिया देश स्थित है, और ये सुमात्रा द्वीप वही है जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है, इंडोनेशिया का द्वीप है, बड़ा द्वीप है। तो जावा द्वीप के ऊपर में द्वीप है ये, तो आपको मैं मैप के थ्रू बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो ये इन दोनों को अलग करती है, ये याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अपन फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा का नाम सुने थे अपन ने, फ्लोरिडा राज्य था एक उत्तर अमेरिका का, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा एक राज्य था। मेक्सिको की खाड़ी के पास आप देखना, मेक्सिको की खाड़ी उत्तरी अटलांटिक महासागर के पास है, तो फ्लोरिडा, तो ये फ्लोरिडा जो थी ये मेक्सिको की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, दो चीज को जोड़ रही है, मेक्सिको की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तथा फ्लोरिडा जो फ्लोरिडा राज्य है अमेरिका का, फ्लोरिडा को वेस्ट इंडीज, जो वेस्ट इंडीज कैरिबियन सागर में जो समूह है द्वीपों का, वेस्ट इंडीज को अलग करती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा एवं वेस्ट इंडीज को अलग करती है। अब पाक जल संधि बहुत पूछी जाती है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, नाम ही है इसका पाक जल संधि। बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है, बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है, तथा भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। तो देखिए मैप के थ्रू बता दूं मैं आपको, ये जैसे ये भारत का मैप हो गया, तो यहाँ पे श्रीलंका है, तो ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है फ्रेंड्स ये पूरी, और ये इधर ये क्या हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गई, और ये इधर हो गया अरब सागर, इस तरफ में अरब सागर है। तो ये बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है, तथा भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ये बताया गया है। ऑप्शन में आपको दूसरा भी मिल सकता है, ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है कि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, मन्नार की खाड़ी जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, या मन्नार की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है, ऐसा क्वेश्चन ही बन सकता है। लेकिन याद रखना है, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है, भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से दो भूभाग को अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, और बंगाली खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है। यह क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिल सकता है, बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर को जोड़ती है ना, तो हिंद महासागर भी आ सकता है ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं, समझना है मैं फ्रेंड्स। तो ये देखो, ये पूरी जल संधि को मैं आपको बताता हूं मैप के थ्रू, जिससे आपको याद रखने में आसानी जाए। तो देखो, एक रफली मैप मैंने यहाँ पे एक इसका पीडीएफ बनाया हुआ हूं, जो उसका पीडीएफ है एटलस मैप का, विश्व का मानचित्र है ये। तो इसमें देखिए, सबसे पहले बात किए थे अपन ने बेरिंग जल संधि की, तो देखो यहाँ से गुजरी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री। तो यहाँ पे बेरिंग जल संधि जो है, देखो ऊपर में लिखा है आर्कटिक सागर से, ये यहाँ पर है बेरिंग सागर, आर्कटिक सागर से बेरिंग सागर को जोड़ती है, तथा अलास्का से, तथा अलास्का, देखो अलास्का ये है, तथा अलास्का से इसके इस तरफ आ गया, देखो ये पृथ्वी गोल है इसके इस तरफ, अलास्का से रूस को अलग करती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद बात करे थे अपन ने जिब्राल्टर जल संधि की, तो देखिए जिब्राल्टर जल संधि में अपन ने क्या पढ़े, भूमध्य सागर से, ये भूमध्य सागर है देखो, भूमध्य सागर से ये यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तथा ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, यानी यूरोप का कौन सा देश हो गया, स्पेन, देखो ये लिखा हुआ है स्पेन को, ये देखो ये मोरक्को लिखा हुआ है अफ्रीका में, मोरक्को को अलग करती है। उसके बाद डोवर जल संधि के बारे में पढ़े थे अपन ने, उत्तरी सागर यहाँ पे मिलेगा, उत्तरी सागर ये यहाँ पे है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा उत्ता, ये यहाँ पे उत्तरी सागर, उत्तरी सागर यहाँ पे, उत्तरी सागर से अटलांटिक महासागर को, यहाँ से ये है, ये अटलांटिक महासागर चालू हो गया यहाँ पे, उत्तरी सागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तथा ब्रिटेन, ये देखो ये पूरा ब्रिटेन था, ब्रिटेन में मैंने बता दिया था कौन से देश आते हैं ब्रिटेन में, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड प्लस इंग्लैंड इज इक्वल टू ब्रिटेन, तो चार देश मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर उत्तरी आयरलैंड को अलग कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, वो द ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है सिर्फ, सॉरी
ब्रिटेन कहलाता है, द ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है, और उसमें अगर उत्तरी आयरलैंड को प्लस कर दिया जाए तो यूनाइटेड किंगडम कहलाता है, तो यूके। तो ये भी याद रखना है जो मैंने आपको बताया। यूके में चार देश हो गए, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ये चार देश को मिला के यूके कहते हैं। अगर उत्तरी आयरलैंड को हटा दिया जाए तो वो द ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है, तो ये याद रखना है। तो देखो यहाँ से ये है, ये जल संधि जिसका नाम अपन पढ़ रहे हैं, डोवर जल संधि उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तथा ब्रिटेन, ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन को ये फ्रांस आ गया नीचे, देखो ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है, समझ में आ गया मैप के थ्रू। अगली क्या पढ़े थे अपन ने, अगली पढ़े थे फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा, ये देखो ये फ्लोरिडा है, ये फ्लोरिडा यहाँ पे, ये फ्लोरिडा ये राज्य है जो निकला हुआ है, ये फ्लोरिडा राज्य है अमेरिका का। तो ये यहाँ से मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ी, तथा फ्लोरिडा को वेस्ट इंडीज, ये देखो ये यहाँ पे वेस्ट इंडीज, ये कैरिबियन सागर में वेस्ट इंडीज को अलग करी। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या पढ़े थे अपन ने, मलक्का जल संधि पढ़े थे, मलक्का जल संधि जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। तो जावा सागर कहाँ है देख लेते हैं, ये देखो ये है, ये फ्रेंड्स यहाँ पे ये जावा सागर देखिए, ये जावा सागर से बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, तथा इधर साइड में हो गया मलेशिया और इधर साइड में हो गया सुमात्रा द्वीप, तो इन दोनों को अलग करती है, तो ये याद रखना है। उसके बाद अपन ने पाक जल संधि पढ़े थे, ये है देखो पाक जल संधि, ये भारत हो गया और श्रीलंका हो गया, तो ये बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ती है। ये हिंद महासागर इधर नीचे ऐसा भी आ सकता है, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, बीच में मन्नार की खाड़ी है, जैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको समझना है ऑप्शन के ऊपर। बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ती है, तथा भारत को श्रीलंका से अलग करती है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, एवं बीच में स्थित है के भूखंड को अलग करती है। तो ये था एक मैप के थ्रू, उसके बाद और पढ़ते हैं अपन, फिर मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगा। तो देखिए इतनी जल संधि दी हुई है यहाँ पे, कितनी जल संधि है, 30 जल संधि दी हुई है फ्रेंड्स, 300 की 300 जल संधि आपको याद होना। सबसे पहले बात करते हैं अपन मलक्का जल संधि की, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। देखो अभी अपन ने कुछ और पढ़े थे इसके बारे में, अपन ने इसके बारे में क्या पढ़े थे, जावा सागर को बंगाली खाड़ी से जोड़ती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, देखो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से, अभी ऐसा जोड़ रही थी, अगर इसको ऐसा देख लिया जाए तो ये ऊपर दक्षिण चीन सागर है और नीचे इधर साइड मिल जाएगा आपको अंडमान सागर, तो वही है तरीका। तो इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है, तो ये भी याद रख सकते हैं आपको, है ना। उसके बाद पाक जल संधि बता दिया, देखो मैंने अभी बताया था मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, तथा भारत को श्रीलंका से अलग करती है, है ना। उसके बाद लुजोन जल संधि, ये ऐसे नाम मिलेंगे आपको, लुजोन जल संधि, ये दक्षिण चीन सागर पढ़े थे अपन ने, दक्षिण चीन सागर है, सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपींस सागर, जो फिलीपींस के पास फिलीपींस सागर है उसको जोड़ती है, तथा ताइवान नाम का एक देश मिलेगा चीन के पूरब में, ताइवान से फिलीपींस को अलग करती है, ताइवान से फिलीपींस को अलग करती है, मैप में देख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। बेरिंग जल संधि बता दिया, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसके समानांतर गुजरती है, बेरिंग सागर एवं चूकी सागर से जोड़ती है। तो देखो अभी अपन ने दूसरा नाम पढ़े थे आर्कटिक सागर, लेकिन अब क्या आ गया, चूकी सागर। तो फ्रेंड्स जो बेरिंग सागर है उसके ही ऊपर में जो आर्कटिक सागर के नीचे में मिलेगा आपको चूकी सागर, तो चूकी सागर को जोड़ती है, तथा अलास्का एवं रूस को अलग करती है। तो ऑप्शन में चूकी सागर भी आ सकता है, चूकी सागर आप देखना, उत्तर अमेरिका वाला आप मैप वो देख सकते हैं, हमारा वीडियो देख सकते हैं उत्तर अमेरिका का, जो मैप वाइज वीडियो कवर किया गया है। पांचवा देखो डेविस जल संधि जो है बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ी, बेफिन की खाड़ी अपन पढ़े थे अभी, बेफिन की खाड़ी कहां पर है, डेविस जल संधि इंपॉर्टेंट है, बेफिन की खाड़ी मिलेगी आपको ग्रीनलैंड के पास ऊपर में, बेफिन की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तथा ग्रीनलैंड से कनाडा को अलग करती है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है ये, तो ग्रीनलैंड से कनाडा को अलग कर सकती है। अगर ऑप्शन में आपको ऐसा ना मिले तो ऐसा भी मिल सकता है, डेविस जल संधि जो है बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, तथा ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की जगह लेब्राडोर सागर भी आपको मिल सकता है, तो ये आपको याद रखना है। डेनमार्क की बात कर लेते हैं अपन, डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक महासागर को आर्कटिक सागर से जोड़ती है, तथा आइसलैंड से ग्रीनलैंड को अलग करती है। आपने देखा होगा मैप, देखना आप, ग्रीनलैंड और आइसलैंड मिलेगा ऊपर में, सबसे ऊपर में मिलेगा आपको आइसलैंड,
तो ये किस किस को जोड़ी, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर को आर्कटिक सागर से जोड़ी तथा आइसलैंड से ग्रीनलैंड को अलग करती है। आइसलैंड और ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है फ्रेंड्स। उसके बाद देखो डोवर, डोवर जल संधि अभी पढ़े थे अपन ने थोड़ी देर पहले। डोवर जल संधि उत्तरी सागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, लेकिन यहां क्या लिखा है देखिए, यहां पे लिखा है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। तो इसने अटलांटिक महासागर ऑप्शन ना देके इंग्लिश चैनल दे दिया, और इंग्लिश चैनल के बारे में मैंने आपको बताया था, इंग्लिश चैनल जो है ये फ्रांस और लंदन यानी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो समुद्र का सकरा पट्टी है, सकरी पट्टी है, उसे ही कहा गया इंग्लिश चैनल। वहां जो समुद्र की पट्टी है यानी समुद्र है उसे इंग्लिश चैनल कहा गया। तो देखो उत्तरी अटलांटिक ऑप्शन ना देके उसने इंग्लिश चैनल ऑप्शन दे दिया। तो उत्तरी सागर से इंग्लिश चैनल को जोड़ी तथा इंग्लैंड से फ्रांस को अलग करी, तो ये याद रखना है डोवर। अब हडसन, हडसन की खाड़ी पढ़े थे अपन ने, तो उसी के नाम पर रख दिया गया इसका भी नाम। हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ी तथा कनाडा, तथा कनाडा से कनाडा को, कनाडा है पूरा, कनाडा ही है वहां पे, दोनों तरफ कनाडा ही है। तो ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है आपको, हडसन की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक महासागर ऑप्शन ना देके हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर ऑप्शन दे सकता है। तो हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है और बीच में तो कनाडा है पूरा, देख सकते हैं आप मैप। जिब्राल्टर जल संधि के बारे में मैंने आपको बताया था, भूमध्य सागर से उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ी तथा स्पेन से मोरक्को को अलग करती है, यानी यूरोप से अफ्रीका को अलग करती है ना, ये समझ में आ गया होगा। स्पेन देश आ गया यूरोप में और मोरक्को देश आ गया कहाँ पे, अफ्रीका में, तो ये भी आपको समझ में आया। कोरिया जल संधि, कोरिया जल संधि जो है ये जापान सागर, जापान के पास एक सागर मिलेगा आपको, जापान सागर, जापान सागर है, जापान और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में जापान सागर है ना। तो जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर चीन के पूरब में है, पूर्वी चीन सागर को जोड़ी, जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ी तथा जापान से कोरिया को अलग करती है। कोरिया आपने नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का नाम सुना होगा, तो ये नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, और ये हो गया जापान, तो ये यहाँ पे है, ये ऐसा है। ये ऊपर में क्या था, ऊपर में मैंने बताया आपको जो है जापान सागर और नीचे में पूर्वी चीन सागर, तो उसको जोड़ी, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, मैगलन जल संधि, मैगलन का नाम आपने सुना था, मैगलन नाम का नाविक था एक, जो विश्व का भ्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था, और तो इसी ने ही प्रशांत महासागर का नामकरण भी किया था, तो इसने, इसके नाम पे एक जल संधि का नाम भी है, जिसने क्या है प्रशांत महासागर को दक्षिण अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर को दक्षिण यानी दक्षिण प्रशांत महासागर को दक्षिण अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ये आएगा फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन। दक्षिण प्रशांत महासागर को दक्षिण अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, और यह है दक्षिण अमेरिका में चिली के पास, चिली देश आपने देखे थे, मिर्ची की तरह है, मिर्ची की तरह इसका मैप बना हुआ है, दक्षिण अमेरिका आपने हमारा वीडियो देख सकते हैं आप, तो ये आप समझ में आ गया। फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा नाम का राज्य बता दिया मैंने, मेक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, मेक्सिको की खाड़ी से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है तथा अमेरिका से क्यूबा देश, क्यूबा, क्यूबा देश है वहां पे एक, वेस्ट इंडीज के उधर साइड में पश्चिम में एक मिलेगा आपको क्यूबा नाम का द्वीप, वो क्यूबा नाम का देश है जिसकी राजधानी हवाना है। क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहते हैं, ज्यादा गन्ने होते हैं वहां पे उत्पादन, तो अमेरिका से क्यूबा को अलग करती है, ये भी याद रखना है। उसके बाद बास जल संधि, बास नाम की भी एक जल संधि है, ये तस्मान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। तस्मान सागर कहां पर है याद करिए आप, न्यूजीलैंड के पूरब में मिलेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है तस्मान सागर। तस्मान सागर से दक्षिण चीन सागर, दक्षिण सागर है, तस्मान सागर से दक्षिण सागर, दक्षिण सागर नीचे में है उसके, दक्षिण सागर को जोड़ती है तथा न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है, ये भी ऑप्शन आपको मिल सकता है, तथा न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है, ये भी आपको मिल सकता है। कुक जल संधि नाम सुने होंगे, कुक जो है ये दक्षिण प्रशांत महासागर को, कुक जल संधि दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ती है, किससे जोड़ती है, तस्मान सागर से, और ये न्यूजीलैंड के बीच में स्टेट ऑफ फ्रेंड, न्यूजीलैंड के दो द्वीप है उसके बीच में है। सुंडा जल संधि है, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। जावा सागर मैंने बता दिया इंडोनेशिया के पास मिलेगा आपको, जावा सागर बीच में मिलेगा, जावा सागर से हिंद महासागर को जोड़ती है, जावा सागर से हिंद महासागर को जोड़ती है तथा इंडोनेशिया को अलग करती है, तो इंडोनेशिया में ही है ये, तो इंडोनेशिया की जगह ऑप्शन आपको ये भी मिल सकता है, इंडोनेशिया की जगह आपको ऑप्शन मिल सकता है, जावा द्वीप से
सुमात्रा द्वीप को अलग करती है, दो द्वीप है ना वहां पे बड़े बड़े, तो ये भी मिल सकता है ऑप्शन। उसके बाद टोकारा, टोकरा, टोकरा है सॉरी, टोकरा जलसंधि, ये पूर्वी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है तथा जापान के पास स्थित है ये। पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर अभी पढ़े थे, चीन के पूर्व में है, पूर्वी चीन सागर से प्रशांत महासागर को जोड़ती है तथा जापान के पास है। उसके बाद युकाटन, युकाटन जलसंधि, युकाटन 17वें नंबर की पढ़ रहे हैं अपन, ये मेक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। मेक्सिको की खाड़ी उत्तर अमेरिका में मिलेगा आपको, मेक्सिको की खाड़ी से कैरिबियन सागर को जोड़ती है तथा मेक्सिको से क्यूबा को अलग करती है। मेक्सिको नाम का जो देश है वहां पे जो उसके सिंग टाइप का निकला हुआ है उससे क्यूबा देश को अलग करती है बीच में, है ना, याद रखना है। और ओरंटो, ओरंटो जलसंधि, ओरंटो, ओरंटो जलसंधि, ये एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर कहां पर है, इटली के पास है, आप देख सकते हैं इसको, इटली के पास मिलेगा आपको। इटली और जो उसके देश है वहां पर बीच में एक समुद्र है उसका नाम है एड्रियाटिक सागर या सागर, एड्रियाटिक सागर व आयोनियन सागर को जोड़ती है तथा इटली से अल्बानिया को अलग करती है। अल्बानिया नाम का देश ये भी मिलेगा आपको, कहां, वही मिलेगा आपको यूरोप में, तो इटली से अल्बानिया को अलग करती है, आप मैप देख सकते हैं। उसके बाद नॉर्थ चैनल, एक नॉर्थ चैनल है, ये आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है तथा आयरलैंड को इंग्लैंड से अलग करती है। जो ऊपर में उत्तरी आयरलैंड है, आयरलैंड द्वीप है, वहां पे एक उत्तरी आयरलैंड देश है, एक दक्षिणी आयरलैंड नाम का देश है, तो आयरलैंड को इंग्लैंड से अलग करती है। आयरलैंड को इंग्लैंड नाम का देश, इंग्लैंड है जो द्वीप है पूरे, आप देख सकते हैं, इंग्लैंड को अलग करती है, ये ऐसा मिलेगा आपको, है ना, तो ये आप समझना है इसको, मैप देख सकते हैं आप। आयरिश सागर को, वहां पे एक सागर है आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ी तथा आयरलैंड को इंग्लैंड से अलग करी। उसके बाद हरमुज, हरमुज जलसंधि, ये फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी कहां पर है फ्रेंड्स, याद है आपको, फारस की खाड़ी ये मिलेगा आपको, फारस की खाड़ी आप मैप याद करें, ये जो एशिया और अफ्रीका के बीच, एशिया और अफ्रीका के बीच लाल सागर है, फारस की खाड़ी है वहीं पे, लाल सागर याद आ रहा होगा, उधर ही साइड में फारस की खाड़ी, तो फारस की खाड़ी जो है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। ओमान देश अपन ने पढ़े थे, अरब सागर, ओमान देश याद करिए, ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, समझ में आया, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है तथा ओमान को ईरान से अलग करती है। ओमान हो गया, बीच में समुद्र है, फिर ईरान है, तो ये ओमान से ईरान को अलग करती है, समझ में आ गया, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है तथा ओमान को ईरान से अलग करती है, याद रखना है। टारस जलसंधि, टारस जलसंधि जो है आराफुरा सागर को पपुआ की खाड़ी से जोड़ती है। अब पपुआ की खाड़ी तरफ आ जाते हैं अपन, पपुआ की खाड़ी अपन ने पढ़े थे, याद रखिए, ये जो है पपुआ न्यू गिनी नाम का देश था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, वहां पे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक सागर है जिसका नाम है आराफुरा सागर, आराफुरा सागर एवं पपुआ की खाड़ी को जोड़ी, आराफुरा सागर एवं पपुआ की खाड़ी को जोड़ी तथा पपुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। पपुआ न्यू गिनी नाम का देश जो है, पपुआ न्यू गिनी नाम का जो देश है उसके बाद से ही ऑस्ट्रेलिया पूरा चालू हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अलग करती है, तो याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला, अगली जलसंधि का नाम क्या है, डार्डेनलीज, डार्डेनलीज, ये मरमरा सागर, मरमरा सागर आपको याद आ रहा होगा, मरमरा सागर जो है एशिया में है, जो टर्की नाम का देश सुने थे अपन ने, टर्की, तुर्की, तुर्की या टर्की बोलते हैं उसको, तो जो तुर्की था, तुर्की नाम का देश, ये तुर्की नाम का देश ऐसा है जो यूरोप महाद्वीप में भी आता है और एशिया महाद्वीप में भी आता है, तो यही टर्की में ही बीच में नाम एक सागर है जिसका नाम है, जिसका नाम है मरमरा सागर, तो टर्की में ही एक नाम का सागर है जिसका नाम है मरमरा सागर, तो ये जोड़ रही है फ्रेंड्स, मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है। एजियन सागर टर्की के ऊपर है, तो मरमरा सागर से एजियन सागर को जोड़ी और ये टर्की के बीच में, इसलिए यहाँ अलग करने का बात नहीं लिखी है, तो टर्की में है, है ना, तो ये नाम क्या है इसका, कभी पूछा मरमरा सागर कहाँ पर है, टर्की के पास है, टर्की में स्थित है ना, तो नाम याद रखना है इसका, डार्डेनलीज जलसंधि, है ना, याद रख लेना है। बास, बास फोरस,
फोरस जल संधि, बास्फोरस जल संधि जो है लाल सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। लाल सागर भी पढ़े अपन ने, भूमध्य सागर, लाल सागर, लाल सागर अपन ने पढ़े थे, याद करें एशिया और अफ्रीका के बीच में है लाल सागर। तो लाल सागर से मरमरा सागर, जो टर्की में मरमरा सागर है उसको जोड़ती है, तो लाल सागर से मरमरा सागर को जोड़ी, और ये टर्की का टर्की ही लिखा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बास्फोरस जल संधि। उसके बाद अगला है बेले द्वीप जल संधि, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ये कनाडा में स्थित है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी पढ़े थे अपन ने, याद आ रहा है क्या आपको? नहीं आ रहा है तो आप हमारा वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने उत्तर अमेरिका महाद्वीप पढ़ाए थे। तो उसमें जो है सेंट लॉरेंस की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक से जोड़ी, और ये कनाडा में ही है, कनाडा में ही है, याद रखना है। जो द्वीप है वहाँ पर बहुत सारी, इसलिए वो समझ कनाडा लिख के दिया इसने, तो याद रखना है। उसके बाद आगे देखिए फोबेक्स की, फोबेक्स, फोबेक्स जल संधि। ये तस्मान सागर, अभी बताया था मैंने तस्मान सागर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास है, तस्मान सागर एवं जावा सागर को जोड़ती है। जावा सागर इंडोनेशिया के पास है, तस्मान सागर से जावा सागर को जोड़ती है, और ये न्यूजीलैंड में मिलेगा आपको फ्रेंड्स, ये याद रखना है। उसके बाद कारी माटा, कारी माटा, कारी माटा जल संधि, दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर से जावा सागर को जोड़ी, दक्षिण चीन सागर से जावा सागर को जोड़ी, ये इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया के जो दो द्वीपों को अलग करती है इसलिए ये इंडोनेशिया लिखा है। आगे बात करते हैं अपन मकासार, मकासार जल संधि। ये जावा सागर, जावा सागर मैंने आपको बता दिया अभी, जावा सागर इंडोनेशिया में है, जावा सागर एवं सेलीबीज सागर, ये सेलीबीज सागर ये मिलेगा आपको फिलीपींस के नीचे, और जावा फिलीपींस के नीचे और इंडोनेशिया के ऊपर, फिलीपींस और इंडोनेशिया के बीच है सेलीबीज सागर। तो जावा सागर से सेलीबीज सागर को अलग करती है, जावा सागर से सेलीबीज सागर को अलग करती है, और इंडोनेशिया के दो द्वीपों को अलग करती है, इसलिए इंडोनेशिया लिखा है, तो याद रखना है। सुगारू जल संधि, या जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है, और ये जापान में ही है फ्रेंड्स, जापान में ही है। जो दो जापान के जो द्वीप है, जापान भी द्वीपों में बसा हुआ है, तो जो द्वीप को अलग करती है, जापान के द्वीप को अलग करती है, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है जापान सागर। जापान सागर मैंने बता दिया था जापान के पूरब में है, जापान सागर को प्रशांत महासागर, ये जापान सागर हो गया, प्रशांत महासागर को जोड़ी, और यहाँ पे ये जापान के द्वीप है, ये बीच में, तो ये ऊपर है, ये सब द्वीप है जापान के, तो ये आप देख सकते हैं मैप। सुसीमा जल संधि, सुसीमा जल संधि, ये जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है, ये जापान में है ये भी, तो ये याद रखना ये भी जापान में है। उसके बाद एक ये देखिए आपको बाव अल मांडव, या ऐसा नहीं है इंग्लिश में इसका नाम ऐसा लिखते हैं, इसको इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, बी ए बी बाब अल एम ए एन डी बी मांडेब, मांडेब, तो बाब अल मांडेब, ये नाम की जल संधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जल संधि, इंपॉर्टेंट जल संधि है। क्या नाम है इसका? बाब अल या एल, बाब एल मांडेब, 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 तो यहाँ पे इसने छपने में हो गया मांडेब, है ना। तो ये जो है ये लाल सागर पढ़े थे अपन ने अभी, लाल सागर एशिया और अफ्रीका के बीच, लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है, अपने भारत के पास जो अरब सागर है उसको जोड़ती है, लाल सागर से अरब सागर को जोड़ती है, तथा यमन देश जो है ये एशिया में है, यमन देश को जिबूती से अलग करती है, और जिबूती जो है ये अफ्रीका का देश है, मैंने बताया था हॉर्न ऑफ अफ्रीका में तीन देश आते हैं, जिबूती, जिबूती हो गया, सोमालिया और इथोपिया, ये तीन देश थे, तो जिबूती को अलग करता है, तो यमन से जिबूती को अलग करता है, और लाल सागर से अरब सागर को जोड़ता है, आप मैप देख सकते हैं, लाल सागर से अरब सागर को जोड़ती है, तथा यमन से जिबूती को अलग करती है, आप मैप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो ये मैंने पूरी 300 जल संधि डिस्कस किया हूँ, 300 की 300 याद रखना जरूरी है, लेकिन कुछ विशेष और कुछ इंपॉर्टेंट ही परीक्षा में पूछी जाती है, जैसे पाक जल संधि बहुत पूछी जाती है वन डे एग्जाम में, ऐसी जल संधि इंपॉर्टेंट, बेरिंग जल संधि पूछी जाती है, डेविस जल संधि पूछी जाती है, सुंडा वाली पूछी जा सकती है, कुक जल संधि पूछी जा सकती है, लेकिन आपको पूरा ये इसके बारे में पता होना, ये 30वें नंबर की पूछी जा सकती है। जल संधि की डेफिनेशन मैंने बता दिया था आपको, तो ये आपको जल संधि की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब देखो एक और एरो लगा के कुछ फैक्ट लिखे, तो उसको ही पढ़ लेते हैं अपन। बेरिंग जल संधि हो गई, इसके बारे में पढ़े अपन ने, बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, बाव एल मांडेव, मांडेव जल संधि, उसके बाद क्या है बास्फोरस जल संधि, और टारेस जैसी जल संधियां महाद्वीपी विभाजक है,
दो महाद्वीपों को विभाजक कर देती है जल संधियां, ये बताया गया। ये जो ऐसी जल संधियां हैं, जैसे जिब्राल्टर जल संधि ऐसी जल संधि थी जो महाद्वीपी विभाजक है, महाद्वीपी विभाजक है। जैसे स्पेन को अलग कर दी किससे, इसने अफ्रीका को, यूरोप से अलग कर दी अफ्रीका को। तो ये भी समझने वाली बात है फ्रेंड्स, समझना पड़ेगा आपको। तो ये जो जल संधियां हैं ये महाद्वीपी विभाजक जल संधियां, इसलिए इनका नाम याद रखना, बेरिंग हो गया है ना ये, जैसे मैंने अभी ये बताया। तो ये जल संधि जो थी ये एशिया को अफ्रीका से अलग करी ना, इसलिए। उसके बाद देखो, सुगारू व डोवर जैसी जल संधियों से होकर स्थल भागों को जोड़ने वाले रेलवे सुरंग बनाए गए हैं। तो यहाँ ये दो जल संधि ऐसी है, यहाँ पे रेलवे सुरंग तक बनी हुई है, रेलवे सुरंग तक बनी हुई है। जैसे सुगारू जल संधि थी, ये ऐसी है, यहाँ पे रेलवे सुरंग बनी हुई है। डोवर जल संधि मैंने बताया था इंग्लिश चैनल से होते हुए जाती है, और इंग्लिश चैनल के नीचे सुरंग बनी हुई है, तो वो बताया गया। यहाँ पे संधियों से होकर स्थल भागों को जोड़ने वाली रेलवे सुरंग बनाया गया है। तो ये भी याद रखना है, दो संधियों के नीचे रेलवे सुरंग भी है। उसके बाद देखिए ये अगला फैक्ट, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर नाम का देश भी है एक फ्रेंड्स, छोटा सा देश है बिल्कुल स्पेन के किनारे भूमध्य सागर में, तो जिब्राल्टर नाम का देश भी है। लेकिन ये बात हो रही है जिब्राल्टर जल संधि की बात हो रही है, यानी जिब्राल्टर देश की बात हो रही है। तो वो जो जिब्राल्टर नाम का देश है उसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। क्या है, क्यों कहा जाता है कुंजी, कि अगर आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर होते हुए भूमध्य सागर में प्रवेश करना है तो आपको सबसे पहले मिलेगा कौन सा देश, आपको भूमध्य सागर में प्रवेश करने के पहले जिब्राल्टर मिलेगा, जिब्राल्टर नाम का देश मिलेगा। तो जिब्राल्टर होते हुए भूमध्य सागर में प्रवेश किया जा सकता है, इसलिए जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अगर आप भूमध्य सागर से जिब्राल्टर जल संधि द्वारा प्रवेश कर रहे हैं तो आप अटलांटिक महासागर में उतरेंगे। अगर उत्तरी अटलांटिक महासागर से आप भूमध्य सागर की ओर प्रवेश कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले आएगा जिब्राल्टर, फिर भूमध्य सागर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है जिब्राल्टर को। भूमध्य सागर की सीमाएं यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीन महाद्वीपों से मिलती है, है ना। भूमध्य सागर की सीमाएं यूरोप देश के साथ भी लगी, उत्तर में यूरोप है भूमध्य सागर के, एशिया है पूरब में, और अफ्रीका है दक्षिण में, भूमध्य सागर से मिलती है। उसके बाद एक नोट लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। माल्टा देश, माल्टा नाम का एक देश है, भूमध्य सागर में अवस्थित है, भूमध्य सागर में अवस्थित है, एक द्वीप में अवस्थित है ये माल्टा देश, भूमध्य सागर में अवस्थित है। यह तीन द्वीप से बना है, एक का नाम है माल्टा, एक का नाम है गोजो, एक का नाम है कोमिनो। ये तीनों देशों से मिलकर बना है माल्टा जो है, ये तीन द्वीपों से मिलकर बना है। द्वीपों का नाम है माल्टा हो गया, गोजो और कोमिनो से मिलकर बना है। इसकी राजधानी क्या है, माल्टा की राजधानी है वैलेटा। माल्टा की राजधानी वैलेटा है, यहाँ यूरो करेंसी चलती है। तो याद रखना माल्टा भूमध्य सागर में अवस्थित है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। तो और मैंने बता दिया जल संधि को जल डमरू मध्य भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो विश्व की प्रमुख जल संधियां हमने डिस्कस किए, जिसमें हमने विश्व की प्रमुख जल संधियों का 22वें नंबर का टॉपिक जो लूसेंट की बुक में दिया है और 23वें नंबर का टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें से इधर जो अलग छपी हुई है फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। तो जल संधि से इतना ही, जल संधि क्या होती थी आपको समझ में आ गया, समझना जरूरी है। और आप ये जो मैंने आपको बताया ये मैप देख के आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में इतना ही। तो इसके आने वाले लेक्चर में मिलते हैं, और आने वाले लेक्चर में मिलने के लिए हमारे से आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्ते।